पैराबोलॉइड्स वीडियो नंबर 9, आप सभी का स्वागत। प्लेन सेक्शन विद गिवन सेंटर। पैराबोलॉइड को हम एक प्लेन से काटेंगे, जो सेक्शन आएगा उसका सेंटर दिया हुआ है। तो हमको ये निकालना है कि प्लेन कौन सा होगा। सेक्शन का सेंटर गिवन है, तो प्लेन गिविंग द सेक्शन प्राप्त करना। सेंट्रल कोनिकॉइड में भी आप ये आर्टिकल पढ़े हुए हैं, प्लेन सेक्शन विद गिवन सेंटर, और वहाँ पे सेंट्रल कोनिकॉइड वाली प्लेलिस्ट में ये वीडियो नंबर 14 में है। एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी जेड इक्वल्स टू जीरो। पैराबोलॉइड मान लीजिए पैराबोलॉइड का कोई एक हिस्सा है, ये प्लेन है, ये सेक्शन मिलेगा ना, ऐसा उसका सेंटर हमको मालूम है अल्फा बीटा गामा। तो इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन। अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन। एनी कॉर्ड थ्रू अल्फा बीटा गामा इज x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल्स टू r। r के बारे में आप जानते हैं, जानना भी चाहिए। वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट x y z फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन द लाइन। अभी हम लाइन ले रहे हैं, कॉर्ड हो गया ना जीवा। इस कॉर्ड की मीटिंग कराइए पैराबोलॉइड के साथ। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पे जनरल पॉइंट लेकर के इस पे उठा के रखते हैं। एनी पॉइंट ऑन इट इज एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा। पुटिंग इट इन वन वी गेट ए इंटू एल आर प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू सी एन आर प्लस गामा इक्वल्स टू जीरो। आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, उसी तरीके से इसको ड्रेसअप करिए। इम्प्लाइज दैट ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा माइनस सी एन मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस टू सी गामा इक्वल्स टू जीरो। नंबर थ्री, इट इज क्वाड्रेटिक इन आर कामा गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर
and so giving two common points. ठीक, तो R इक्वल टू आर वन, आर इक्वल टू आर टू, मान लो दो पॉइंट आए, इसमें एक बार R1 रख दोगे एक बार R2, तो दो कॉमन पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट ये होगा और ये होगा, और ये जो R है वो पॉइंट की दूरी फिक्स्ड पॉइंट से है, यानी इस पॉइंट की दूरी यहाँ से मान लो R1 है, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से R2 है, तो यहाँ से दूरी ना पड़े ना, तो एक इधर ना पड़े हो, एक इधर ना पड़े हो, चूँकि ये सेंटर है तो मिडिल पॉइंट हुआ, इसलिए ये जो दो दूरियां हैं डिस्टेंसेस, ये मैग्नीट्यूड्स में बराबर आएंगी, परंतु साइन इनका भी अपोजिट होगा। सिंस अल्फा बीटा गामा इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, therefore two values of r must be equal in magnitudes but अपोजिट इन साइंस, एंड सो सम ऑफ रूट्स, आर की दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, साइन में अपोजिट हैं, तो दोनों वैल्यूज का जो सम होगा वो जीरो होगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, बेरा लिखे, एंड सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थ्री पढ़ा हुआ जिसमें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ थ्री मस्ट बी जीरो, दस भी है, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर ए और बी खाली नहीं है, इसलिए हम स्मॉल लेटर वाला इस्तेमाल कर लें, माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो, और इसको अर्थ या लें, दैट इज स्मॉल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज स्मॉल बी माने वन डिग्री टर्म का कोफिशियंट, ट्वाइस ऑफ ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा माइनस सी एन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा माइनस सी एन इक्वल टू जीरो नंबर फोर। एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर टू याद रखना। एलिमिनेटिंग एल एम एन बिटवीन टू एंड फोर वी गेट, अब देखो एक प्लेन था ना, उस पर तुमने कॉर्ड लिया, लाइन लिया, और इसका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा गामा, तो इस लाइन को ऐसे टर्न कर दें तब भी तो उसका मिडिल पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, लेकिन डीसीज बदल जाएंगे, फिर टर्न कर दीजिए, तो अगर हम इसका लोकस निकाल लें, इस लाइन का लोकस निकाल लें, तो क्या मिल जाएगा, यही प्लेन मिल जाएगा, वी गेट ए अल्फा इंटू एल एक्स माइनस अल्फा अपान आर करके आए ना, अपान आर वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी बीटा इंटू एम वाई माइनस बीटा,
माइनस सी इंटू एन जेड माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, माइनस सी गामा इम्प्लाइज दैट ए अल्फा एक्स, बस इक्वेशन आ गया इसी को पर्टिकुलर फॉर्म में हम सजाने जा रहे हैं, बी बीटा वाई माइनस सी जेड माइनस सी जेड इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस सी गामा माइनस सी जेड, ऐसा कर दिया। ये टर्म असल में इधर लाना मांगता है, सी गामा जो दोनों तरफ माइनस सी गामा लिखे, हाँ ये सेटिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये जो रिजल्ट आया है उसको बहुत ही एक बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश है। देखो इम्प्लाइज दैट ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी इंटू जेड प्लस गामा इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस टू सी गामा, दैट इज, इसको हम यूं याद रखेंगे टी इक्वल टू एस वन वेयर टी इज ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी जेड प्लस गामा। जैसे कि पैराबोलॉइड का इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी जेड इक्वल्स टू जीरो, अगर हम ये कहें कि अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखो तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी और टू जेड की जगह क्या रख देंगे जेड प्लस गामा इक्वल टू जीरो, तो ये हिस्सा है ये टी बराबर जीरो में, ये टी है, तो याद रखना आसान रहेगा। और एस वन क्या चीज है, वैल्यू ऑफ एस एट अल्फा बीटा गामा, इसे एस से डिनोट किए थे ना शुरू पहली लाइन में, ये यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस टू सी गामा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल चाहिए देखें। एग्जाम्पल नंबर क्या पड़ेगा, आई थिंक 10। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल पहला उठा रहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which cuts the paraboloid x square minus 2y square equals to 3z in a conic whose center is 1, 2, 3. Whose center is 1, 2, 3. बहुत ही सीधा और सपाट एग्जाम्पल है।
एस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू इंटू टू जेड इक्वल्स टू जीरो। समझ रहे हैं ऐसा क्यों किया ना, ताकि हम टी लिख सकें आसानी से। द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज टी इक्वल टू एस वन अर्थात 1 इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू इंटू वाई माइनस थ्री बाई टू टू जेड को हम z प्लस गामा से रिप्लेस करेंगे यानी z प्लस थ्री से इक्वल्स टू एस वन। एस वन माने इसकी वैल्यू दिए हुए पॉइंट पर 1 स्क्वायर माइनस टू इंटू टू स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इम्प्लाइज दैट टू से मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 8y माइनस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे गड़बड़ हो गया माइनस 3z। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और 1 माइनस 8 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 32। कुल मिला के क्या आ गया 2x माइनस 8y माइनस 3z प्लस 32 इक्वल्स टू जीरो। आंसर मिला लें 2 माइनस 8 माइनस 3 और प्लस 23 ये 32 है। हमको लिखने में फिर गलती हो गई होगी 32 तो पलटना था क्योंकि आएगा देखो देखो 9 8 17 17 में से एक गया 16 16 दूनी 32 ही तो आएगा। अच्छा ये भी तो है भैया ये माइनस 32 और इधर आके हो जाएगा 32 32 में से 9 गया 23 बिल्कुल ठीक लिखा है हमने ये सॉरी। एक एग्जांपल और देखें एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें प्लेन निकालने की बात नहीं हो रही है, इसमें सेंटर प्राप्त करने की बात हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 11 शो दैट द सेंटर ऑफ द कॉनिक शो दैट द सेंटर ऑफ द कोनिक कोनिक है इलिप्टिक पैराबोलॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड नहीं है टू जेड है कामा एल एक्स प्लस एम वाई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। ये पैराबोलॉइड है और ये प्लेन है दोनों मिलकर के कॉमन सेक्शन सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो सेक्शन कौन होगा कोनिक इज माइनस एल अपॉन ए एन कामा माइनस एम अपॉन बी एन कामा के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वेयर k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन पी। ये S
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो। नंबर वन पैराबोलोइड, और एक प्लेन दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल पी। नंबर टू गिवन प्लेन, या कहिए प्लेन गिविंग सेक्शन, यानी सेक्शन देने वाला प्लेन है ये। इस पैराबोलॉइड को इसी प्लेन से काटना है, तो इसकी आइडेंटिटी हम लिखें प्लेन गिविंग द सेक्शन। ये सेंटर निकालना है, चलिए मान लें लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिविंग द सेक्शन इज टी इक्वल टू एस वन। दैट इज, अब टी की वैल्यू लिखिए यहां से, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस ब्रैकेट में टू जेड की जगह जेड प्लस गामा इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस टू गामा। implies that a alpha x plus b beta y minus z equals to a alpha square plus b beta square, ये minus gamma उधर जाके plus gamma हो जाएगा, minus gamma। number 3 ये है plane giving the section, और ये भी है plane giving the section, दोनों identical हुए। obviously equations 2 and 3 आर आइडेंटिकल, इट फॉलोज दैट एल अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू एम अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू एन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू पी अपॉन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस गामा। कंपेयर कर लिए दोनों को, इंप्लाइज दैट एल अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन वन कामा एम अपॉन बी बीटा इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन वन कामा पी अपॉन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस गामा इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन वन। इम्प्लाइज दैट हमें अंततोगत्वा अल्फा बीटा गामा ही निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा आप निकाल लीजिए। इससे अल्फा बराबर कितना आएगा, देखो अल्फा यहाँ आ गया, अल्फा बराबर कितना आएगा एल अपॉन माइनस ए एन, यानी माइनस एल अपॉन ए एन। ये ध्यान से देखो, अल्फा उधर कर दिए और सबको बाई तरफ कर दिए। इसी प्रकार से बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस एम अपॉन बी एन, और यहां से गामा निकालना थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, चलो निकाले कैसे निकलेगा। P इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस गामा।
सिर्फ इतने हिस्से को हमको सिंप्लीफाई करना है, इसलिए यहीं पे कामा लगा के यहां सेमी कॉलन कर दो। दैट इज पी बाई एन इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी बीटा स्क्वायर और प्लस गामा। दैट इज गामा इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस पी बाई एन। ये रहा। अब इसी में अल्फा और बीटा की वैल्यू भी रख दीजिए। ये रिजल्ट है, इस पर हमको नजर रखनी है, इससे मिटा नहीं रहे। देखो अल्फा बराबर माइनस एल अपान ए एन ये आ गया, बीटा आ गया माइनस एम अपान बी एन। सिर्फ गामा की वैल्यू बस निकालनी हमको। नीचे लिखे इंप्लाइज दैट गामा इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा स्क्वायर प्लस पी बाई एन। अल्फा की जगह हम लिख दें माइनस एल अपान ए एन, बीटा की जगह हम लिख दें माइनस एम अपान बी एन। इम्प्लाइज दैट देखो ए स्क्वायर कटेगा ना, तो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई ए एन प्लस बी कटेगा इसमें, एम स्क्वायर बाई बी एन प्लस पी बाई एन। इसे देखो ये है के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, के स्क्वायर बाई एन, के स्क्वायर बाई एन। नहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है ना, गड़बड़ ये हो रहा है कि एन का स्क्वायर करने में भूल गया, सॉरी बच्चों। ये और इसके कारण अब एन स्क्वायर नीचे भी डालना है तो ऊपर एन पी कर दो, हो गया। तो अब ये हो गया के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वेयर के स्क्वायर आपने किसकी जगह पे रखा है, ये एन स्क्वायर नीचे से हटा लो, एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस सॉरी प्लस एन पी। इतना हिस्सा है के स्क्वायर और अपान एन स्क्वायर, हो गया। दस द रिक्वायर्ड सेंटर इज, दस द रिक्वायर्ड सेंटर इज अल्फा बीटा गामा, यानी कि माइनस एल अपान ए एन माइनस एम अपान बी एन और गामा की वैल्यू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये मिलाते चलो के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पुनः लिख दीजिए वेयर के स्क्वायर इज टेकन एज एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन पी। वीडियो लाइक करें, शेष बातचीत अगले वीडियो में।